नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट संडे क्विज का पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसके सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज डज नॉट कंटेन हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस। ठीक है, ऐसा कौन सा एंटी डायबिटिक ड्रग है जिसके अंदर हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस नहीं होगा। तो ये हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस को समझ लीजिए। देखो, ये साइक्लिक कंपाउंड्स होता है, लेकिन इसके अंदर कोई हेट्रो एटम्स आ जाए, जैसे ऑक्सीजन हुआ, सल्फर हुआ या फिर नाइट्रोजन हुआ, तो इस तरह हेट्रो एटम्स आने की वजह से ऐसे हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स कंपाउंड बन जाते हैं वो। तो हमें ऐसा ड्रग चुनना है जिसमें ये हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस ना हो। ऑप्शन दिया है ग्लाइब्यूराइड, ग्लाइबेपिराइड, रिपाग्लिनाइड या फिर ग्लिपिजाइड। तो देखिए, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग्लाइब्यूराइड। ठीक है, ये ग्लाइमेपिराइड में अगर आप देखोगे तो इस तरह की ये अजोल रिंग इसमें प्रेजेंट होता है, अजोलिडिन कह सकते हैं इसमें, पायरोलिडिन कह सकते हैं इस रिंग को। और नेक्स्ट है जो ये पिरिडिन रिंग स्ट्रक्चर है, ये रिपाग्लिनाइड के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये पायराजिन करके स्ट्रक्चर होगा, ये ग्लिपिजाइड के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये ग्लाइब्यूराइड के अंदर सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ना कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो इसलिए इसका आंसर ये ग्लाइब्यूराइड होगा। इसका दूसरा नाम भी है ग्लाइबेन क्लामाइड, तो इसे याद रखना है आपने, ग्लाइबेन क्लामाइड को ही ग्लाइब्यूराइड कहा जाता है। ठीक है, शायद आपको ऑप्शन में ग्लाइबेन क्लामाइड दे ग्लाइब्यूराइड, ये सल्फोनील यूरिया के क्लास में आता है ये ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखते हैं। देखो, यहां ये पूछता है होमैट्रोपिन इज, है ना, होमैट्रोपिन क्या है ये। तो ऑप्शन में दिया है ट्रोपिन एस्टर ऑफ मैंडेलिक एसिड, ट्रोपिन एस्टर ऑफ अमाइनो एसिटिक एसिड, ट्रोपिन एस्टर ऑफ अमाइनो फॉर्मिक एसिड या फिर ट्रोपिन मिथिल ब्रोमाइड एस्टर ऑफ मैंडेलिक एसिड। तो हमें ये होमैट्रोपिन के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, तभी जा कर के हम इसका जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख लो, ये होमैट्रोपिन का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ये ट्रोपिक एसिड जो है, ये मैंडेलिक एसिड को ज्वाइन होकर के एक एस्टर तैयार करता है, तो इसीलिए ये जो होमैट्रोपिन होता है ये ट्रोपिन एस्टर ऑफ मैंडेलिक एसिड होगा, या फिर मैंडेलिक एसिड एस्टर ऑफ ट्रोपिन होगा। तो इसलिए इसका जवाब होता है ऑप्शन ए, ट्रोपिन एस्टर ऑफ मैंडेलिक एसिड, ये मैंडेलिक एसिड का स्ट्रक्चर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसे इसी तरह आप स्ट्रक्चर देखते रहिएगा रोजाना, तो ये याद हो जाएंगे हमें। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वही स्ट्रक्चर को देखना है आपने, देखने से भी बहुत चीजें याद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्टेरॉल। देखो, कोलेस्टेरॉल के सिंथेसिस में कौन से इंटरमीडिएट कंपाउंड्स आते हैं उसके बारे में पूछा है। ऑप्शन में दिया है आइसोप्रिनालिन एंड एल्डोस्टिरोन, मेवालोनिक एसिड एंड एल्डोस्टिरोन, मेवालोनिक एसिड एंड आइसो पेंटेनिल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में आईपीपी बोल दें। नेक्स्ट है आइसोप्रिनालिन एंड आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट, है ना, तो इसका सही जवाब क्या होगा। उसके पहले हम इसका सिंथेसिस देख लेते हैं, ये किस तरह होता है। ये देखो, यहाँ पे कोलेस्टेरॉल का सिंथेसिस दिखाया है, एसिटिल को ए से बनेगा एचएमजी कोए। ठीक है, ये हाइड्रोक्सीमिथिल ग्लुटामाइल कोए होता है। अगर हाइपोलिपिडेमिक ड्रग हमने पढ़े हैं तो उसके अंदर एचएमजी कोए रिडक्टेज नाम के स्टैटिन्स करके ड्रग होते हैं, वो यहाँ पे स्टेप को ब्लॉक कर देते हैं जिससे मेवालोनिक एसिड बनता है आगे जा करके, है ना। तो यहाँ से एचएमजी कोए से बनता है मेवालोनिक एसिड रिडक्शन होकर के, और मेवालोनिक एसिड से फिर बनेगा आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट आईपीपी कंपाउंड, और इससे नेक्स्ट स्टेप में बनता है स्क्वाइलिन, और स्क्वाइलिन से फाइनल स्टेप में बनेगा कोलेस्टेरॉल। ठीक है, तो इसीलिए ये कोलेस्टेरॉल के सिंथेसिस के इसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड कौन से आ रहे हैं, तो मेवालोनिक एसिड आएगा और ये आईपीपी, है ना। वैसे तो ये सारे इंटरमीडिएट्स है, लेकिन हमें ऑप्शन के अनुसार बताना है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन सी होगा, मेवालोनिक एसिड एंड आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे।
देखो यहाँ पूछता है, लाइसर्जिक एसिड इज अ प्रिकर्सर फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ऑप्शन में दिया है एर्गॉट, क्विनिन, निकोटीन या फिर मॉर्फिन। तो ये लाइसर्जिक एसिड कौन से कंपाउंड, कौन से प्रोडक्ट्स के लिए प्रिकर्सर का काम करता है, जिससे इसकी वजह से इसमें से किसी का ना किसी का सिंथेसिस होता होगा, है ना। हमें बायोसिंथेटिक पाथवे अच्छे से मालूम रखना है, उसके भी नोट्स बना के रखना है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इस सवाल का जवाब होगा ये ऑप्शन ए, एर्गॉट। एर्गॉट अल्कलॉइड्स के जो भी कंपाउंड्स होते हैं ना, अल्कलॉइड्स, तो वो लाइसर्जिक एसिड से ही बनते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये क्विनिन का सिंथेसिस करना है तो हमें प्रिकर्सर बोल के ट्रिप्टोफन यूज कर सकते हैं। मॉर्फिन का अगर सिंथेसिस करना है तो हम प्रिकर्सर बोल के टायरोसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और निकोटीन से बहुत सारे कैर्सिनोजेनिक ड्रग का बना सकते हैं, ये प्रिकर्सर बोल के काम करेगा, है ना। तो यहाँ पे ये लाइसर्जिक एसिड का सही जवाब होगा एर्गॉट, एर्गॉट अल्कलॉइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना है अभी। देखो यहाँ पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेरॉयडल एंटीबायोटिक। ठीक है, स्टेरॉयडल एंटीबायोटिक के बारे में पूछा है। ऑप्शन में दिया है फुसिडीन, क्लिंडामाइसिन, बैसिट्रासिन, क्लोराम्फेनिकॉल। तो देखो ये स्टेरॉयडल एंटीबायोटिक है तो इसमें स्टेरॉयडल माइटी होना बहुत जरूरी है। स्टेरॉयडल माइटी यानी क्या, साइक्लोपेंटेन ऊपर हाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग होता है, ए बी सी डी करके ऐसे चार रिंग्स होने चाहिए, तभी जाकर के वो स्टेराइड न्यूक्लियस कंटेन करता है। तो इस ऑप्शन में सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए, फ्यूसिडीन ही है जो स्टेराइडल एंटीबायोटिक है, स्टेराइडल माइटी कंटेन करता है, इसके स्ट्रक्चर में स्टेराइड होता है, बाकी नॉन स्टेराइडल होते हैं दोस्तों। ठीक है, फ्यूसिडीन को याद रखना, ये स्टेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हिस्टामाइनिक ड्रग्स बिलोंग्स टू द प्रोपिलामाइन क्लास। कौन सा एंटी एंटी हिस्टामाइनिक ड्रग्स है जो प्रोपिलामाइन क्लास से बिलोंग करता है। ऑप्शन में दिया है सिट्रीजिन, क्लोरफेनिरामाइन, डाइफेनहाइड्रामाइन या फिर सिप्रोहेप्टाडीन। तो ये सारे एंटी हिस्टामाइनिक ड्रग्स हैं, इनके क्लास के बारे में हमें पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आपने एंटी हिस्टामाइनिक में तो वैसे बहुत सारे ड्रग्स दिए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर के क्वेश्चंस इन्हीं एंटी हिस्टामाइनिक्स पर बनते हैं। ये चार और एक हाथ दो को याद रखना है आपने, बाकी छोड़ दिया तो भी चलेगा, इनके स्ट्रक्चर के साथ, इनके क्लास के साथ इसे याद रखना। ठीक है, इसका केमिकल क्लासिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। देखो सिट्रीजिन और लिवोसिट्रीजिन जो होता है वो पाइपराजिन क्लास से बिलोंग करता है, ने क्लोरफेनिरामाइन जो है वो इसका इसी सवाल का जवाब होगा, ये यही है जो प्रोपिलामाइन क्लास में आता है, क्लोरफेनिरामाइन को याद रखना है। और डाइफेनहाइड्रामाइन को याद रखो, ये इथेनोलामाइन से बिलोंग करेगा, और सिप्रोहेप्टाडाइन जो है ये एंटीहिस्टामाइनिक से डायबेंजोसाइक्लोहेप्टीन क्लास से बिलोंग करता है, और ये सीरोटोनिन का भी एंटागोनिस्ट है, 5-HT सीरोटोनिन रिसेप्टर को ये ब्लॉक करता है, और इसका यूज़ देखो चिल्ड्रन में भूख बढ़ाने के काम आता है ये। ठीक है, सिप्रोहेप्टाडीन को याद रखना, कभी भी एपेटाइजर के बारे में पूछा जो एंटीहिस्टामाइनिक भी हो और एंटी सीरोटोनिन की एक्शन रखता हो तो सिप्रोटोनिन का आंसर बता देना। अभी के लिए इतना याद रखो कि प्रोपिलामाइन क्लास के अंदर क्लोरफेनिरामाइन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे अभी। देखो यहाँ पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेशन ड्रग कंटेन द एजेपिन रिंग। ठीक है, एजेपिन रिंग को जानना जरूरी है। देखो ये एजेपिन, अजा यानी क्या नाइट्रो होगा, और एपिन यानी ये होता है सेवन मेंबर रिंग के बारे में हमें इन्फॉर्म करता है। तो सेवन मेंबर रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन है ना, ये यहाँ पे हेट्रो कंपाउंड होता है, हेट्रो आइटम कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग है ये। तो ये जो रिंग है ये कौन से एंटी डिप्रेशन ड्रग के अंदर प्रेजेंट होगी ये पूछा है। ऑप्शन में दिया है एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन, सिटालोप्राम या फिर इमिप्रामाइन। ठीक है, तो इसमें से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन डी, इमिप्रामाइन ही है जो इस तरह की रिंग कंटेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये एमिट्रिप्टिलिन और नॉरट्रिप्टिलिन के बारे में बता दूँ मैं आपको, इसमें ये नाइट्रोजन है ना वो नहीं होता, ये सिर्फ सेवन मेंबर साइक्लिक रिंग कंटेन करते हैं ये। यहाँ से नाइट्रोजन हटा दे तो ये एमिट्रिप्टिलिन नॉरट्रिप्टिलिन का स्ट्रक्चर के बारे में इन्फॉर्म करेगा,
और सिटालोप्राम के बारे में बता दूं, इसमें बेंजीन और 5 मेंबर ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग होता है बेंज ऑक्सॉल करके सिटालोप्राम के अंदर। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स है उसकी लिस्ट मैं आपको दूंगा, तो आपने उन्हीं ड्रग के बारे में, उन्हीं के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, ठीक है? अभी के लिए ये याद रखो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि हमारा एक YouTube चैनल है नीट साइंस स्कॉलर्स करके, आप लोगों को इसे सब्सक्राइब करना है क्योंकि हम इस पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो भी प्रीवियस ईयर्स पेपर में क्वेश्चंस बने थे उनको डिस्कस करेंगे, नेमिंग रिएक्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे और विथ ट्रिक्स के साथ में डिस्कस करने वाले हैं, और कुछ बेसिक केमिस्ट्री भी होगा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बेसिक फंडामेंटल चीज़ों पे सवाल बनते हैं उस टाइप के भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। तो इसीलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आने वाले नाइपर और जीपैट के लिए आपको यहाँ से बहुत सारी हेल्प होगी, तो आपने इस चैनल को जा करके सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी क्लिक करना है ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर ले। जीपैट वाले और ज्यादा से ज्यादा नाइपर वाले बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है विच बार्बिट्यूरेट हैज द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है? लंबा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किसका होगा? यहाँ पे ऑप्शन दिया है फिनोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन, अमोबार्बिटोन या फिर ब्यूटा बार्बिटल सोडियम। तो इसमें से सही जवाब क्या होगा? तो लॉन्ग एक्टिंग के लिए ऑप्शन ए को क्लिक करना है, ये फिनोबार्बिटोन ही है जो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को रखता है। मैं आपको इसकी ट्रिक्स बता दूं यहाँ पे, ये याद रखना है अपने ट्रिक्स को, तो ये आपको याद रहेगा कि शॉर्ट एक्टिंग मतलब क्या, 3 hours से भी कम एक्शन रखने वाले, तो इसमें सेकोबार्बिटल आएगा और पेंटोबार्बिटोन आएगा। तो इसे याद रखो कि पैंट को सेकंड्स में पहनाएंगे हम, है ना? पैंट को सेकंड्स में पहनेंगे हम, ऐसे करके याद रखो। तो ये सेकंड्स में तो यही बता देगा हमें कि शॉर्ट एक्टिंग है ये। फिर इंटरमीडिएट एक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा? 3 hours से लेकर 6 hours तक के ये एक्शन रखते हैं। तो इसमें अभी अमी बार्बिटोन आएगा, अमो बार्बिटोन और ब्यूटा बार्बिटोन, ठीक है? तो इसे याद रखने के लिए बोलेगा अमोल जो है, जो बूट्स वो पहनता है वो इंटरमीडिएट टाइप्स के होते हैं, ना ज़्यादा कॉस्टली होते हैं ना ज़्यादा सस्ते होते हैं, इंटरमीडिएट टाइप के, है ना? और एन एवरेज फैमिली जो होते हैं मिडिल क्लास, तो उस टाइप के बूट्स ये अमोल पहनता है। अमोल से आप अमो बार्बिटोन और बूट से ब्यूटा बार्बिटोन को याद रख सकते हो। नेक्स्ट लॉन्ग एक्टिंग के बारे में बात करेंगे तो ये 6 hours से ज़्यादा एक्टिविटी रखता है, एक्शन रखता है। इसके अंदर मेफोबार्बिटोन आएगा और फिनोबार्बिटोन आएगा। तो पहले जो लड़के लड़की थे ना जो कॉइन बॉक्स से बात करते थे लंबे समय तक, बस उसी से याद रखना है, मेरा फ़ोन लंबा चलता है, मेरा फ़ोन लंबा चलता है, मेरा से मेफोबार्बिटोन को याद रखो, मेरा फ़ोन है ना, इसी में याद रहता है मेरा फ़ोन, तो मे से मेफोबार्बिटोन और फ़ोन से फिनोबार्बिटोन को याद रखना कि ये लंबा चलता है, ठीक है? कंटिन्यू कॉइन डालते ही जाते थे, कितना सारा बात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं यहाँ पे, हमें तो काम आ गया ना ये लॉन्ग एक्टिंग को याद रखने के लिए। एंटी प्रोटोजोल एजेंट मेट्रोनिडाजोल पजेसिंग द हेट्रोसाइक्लिक रिंग, हमें यहाँ पे बताना है ये एंटी प्रोटोजोल जो ड्रग है मेट्रोनिडाजोल, इसके अंदर कौन सा हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होता है। ऑप्शन में दिया है पिरिमिडिन, पायराजीन, नाइट्रोइमिडाजोल या फिर बेंजीमिडाजोल, ठीक है? तो मेट्रोनिडाजोल के अंदर ये रिंग प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखो ये नाइट्रो ग्रुप लगा है और ये दो नाइट्रोजन अल्टरनेट पोजीशन पे लगे, 1 2 3 अल्टरनेट है ना, तो इसलिए इमिडाजोल रिंग होता है और ये नाइट्रो, तो नाइट्रो इमिडाजोल इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है? ये नाम से ही पता चलता है, लेकिन ऐसे कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये तो एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर ऑप्शन गलत नहीं क्लिक करना होता है हमसे, सही ऑप्शन क्लिक हो जाता है दोस्तों। सिर्फ एक बार कुछ चीज़ें आसानी होती है लेकिन पढ़ना जरूरी है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, देखो पूछता है व्हाट इज द आयुपैक और द केमिकल नेम फॉर द डैप्सॉन, ठीक है? डैप्सॉन जो ड्रग एंटी टीबी करके इस्तेमाल होता है और लेप्रसी में भी इसका अच्छा खासा यूज है, तो इसके हमें केमिकल नेम पता करना है। तो ऑप्शन में दिया है 4,4- सल्फोनिल बिस बेंजीन अमाइन, ऑप्शन बी है 4,4- सल्फोनिल डाय एनिलीन, पैरा पैरा डैश डाय अमाइनो डायफिनिल सल्फोन या फिर ऑल ऑफ दिस।
तो देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने भी सारे ऑप्शंस दिए हैं ना, वो एक ही कंपाउंड के नाम है, वो डैप्सोन के है। डैप्सोन जिसे DDS करके भी जाना जाता है, तो इसलिए इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये फोर पोजिशन होगा, इस फोर डैश होगा ये, तो यहाँ से आप देख सकते हो 4 4 डैश सल्फोनिल बिस बेंजिन अमाइन, ये बेंजिन अमाइन हो गया और ये सल्फोनिल ग्रुप, और इसमें अगर बात करेंगे तो ये एनिलिन की बात कर रहा है, एनिलिन इतना सारा ग्रुप होता है, दोनों साइड में लगा है, तो सल्फोनिल, ये सल्फोनिल डाय एनिलिन है ना, और ये पैरा पोजिशन, इसे पैरा पोजिशन बोलते हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो तो उसके एग्जैक्ट सामने वाला पैरा पोजिशन कहलाता है। तो पैरा पोजिशन पे क्या है, डाय अमाइनो डायफिनिल है ना, ये अमाइनो डाय अमाइनो डायफिनिल सल्फोन की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये सारे नाम जो है वो डैप्सोन के है, तो ऑल ऑफ दिस को ही क्लिक करना है दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।